जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है श्री पेमा खांडू जी को मैं ये अपील करता हूँ कि तामे पासंग को जल्द से जल्द स्टेप डाउन किया जाए और बिंग्या कामे को टर्मिनेशन किया जाए और लिकत जी को टर्मिनेशन किया जाए। जीरो टॉलरेंस बोल बोल के बीजेपी वालों ने आज हजार करप्शन पैदा किया। दूसरा बात, अब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबको विश्वासघात में रख दिया। आज देखो आईएमसी कहाँ कहाँ काम किया, सब वीडियो बना के फोटो बना के हम लोग रखा है। जो ओल्ड वर्क है, जो पुराना काम किया वाला, उसी को फोटो किसके डेंटिंग पेंटिंग करके सारा का सारा पैसा को उताया गया है। कहीं कहीं जगह में है, एक दो जगह है किया वाला, लेकिन मैक्सिमम काम जो है जो पुराना जो करके रखा है उसको फोटो से तो बना के पेंटिंग करके पूरा उताया। ऐसा अगर नेता जो काम करेगा स्टेट जो कैसा चमकेगा। हम लोग आज आम आदमी पार्टी यूथ विंग स्टेट का वो ज्वाइन ब्रीफिंग कर रहा है, मीडिया ब्रीफिंग रिगार्डिंग। हम लोग ने रिसेंटली 2023 को हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था हिज एक्सीलेंसी एंड हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को रिगार्डिंग 5 पॉइंट्स में। तो पॉइंट वाइज में आपका नहीं जाते हुए हम सीधा हम लोग का डिमांड को हम प्लेस में रखता है। सबसे पहले हम लोग का सबसे पहले मांग था कि 1000 करोड़ जो ईयर ऑफ एजुकेशन में जब असेंबली में पास किया गया था 2021 को, तो उसका हम लोग ने वाइट पेपर मांगा था। एंड सेकेंड था, जितना भी आप लोग को सबको पता होगा सोशल मीडिया में चल रहा है, बहुत सारा चैनल जो कवर कर रहा है न्यूज़ चैनल को, अभी जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है आपका लोंगडिंग और TLC एरिया में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अंदर में, उसका मांग को हम आप लोग को थोड़ा क्लियरिटी को लेके आता है। सबसे पहले ईयर ऑफ द एजुकेशन में हम लोग ने डिमांड किया है कि इसका वाइट ऑडिट पेपर दिखाओ। हम लोग ने अक्टूबर 10 तारीख तक समय दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, तो वहाँ से हम लोग को कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। एंड अबाउट द हम लोग का जो लीगल इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ था टीचर का, जैसे कि हम लोग का जैसे कि चांगलांग में हुआ है TGT का, PRT का, MTS, LDC का, जो 75 पोस्ट जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है चांगलांग DDAC से, और लोंगडिंग में जो 28 नंबर्स में जो इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसका हम लोग ने जो SIC और डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो रहा है उसका हम लोग का अपडेट दीजिए, स्टेटस रिपोर्ट क्या है अभी उसको दीजिए बोले। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग ने कल CMO ऑफिस में विजिट किया, CMO सेल में, तो CMO सेल से हम लोग को ये रेस्पॉन्स दिया है कि आप लोग इसको कमिश्नर से डिस्कस करिए, कमिश्नर में डिस्कस करिए बोल के दिया है हम लोग को। तो हम लोग का यही कहना है कि एज ए यूथ विंग आम आदमी का होते हुए कि हम लोग कमिश्नर को हम लोग डिस्कस करने के लिए हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट नहीं किया है। हम लोग ये पब्लिक का जो एलिगेशन है, पब्लिक के डोमेन में जो एलिगेशन स्टेट गवर्नमेंट को लगाया गया है, तो उसको हम लोग क्लियरिटी मांग रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में उसको लाओ, उसका स्टेटस क्या है। जो आप लोग जो बोल के घूम रहा है कि जीरो टॉलरेंस में, आप लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग हम लोग इंक्वायरी बैठा रहे हैं, डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो रहा है, SIC चल रहा है, ये सब तो आपका खुद का गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है। हम लोग का क्लियर डिमांड ये है कि ये जितना इरेगुलरिटी हुआ है डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेशली, हम लोग इसको बोल रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में इसका स्टेटस को लेके आओ, क्या केस में क्या अपडेट है। और जो ईयर ऑफ द एजुकेशन आप लोग जो बोल के एजुकेशन का रेशियो गिराया स्टेट में, आप लोग ने इतना सारा आप लोग ने लैपटॉप सेकेंड हैंड लैपटॉप स्टूडेंट को दिया है, इतना सारा स्कूल दिफांग है अभी जो आप लोग ईयर ऑफ द एजुकेशन में पैसा पब्लिक का पैसा को लगाया वाला है, उसका हम लोग ने वाइट पेपर मांगा है, ना कि हम लोग कमिश्नर को मिलकर डिस्कस करके अंदर रूम में डिस्कस करेगा बोल के इसको हम लोग ने आपको रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है। तो इसलिए हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो मेरा प्रेसिडेंट सर को हम रिक्वेस्ट करता है कि काइंडली आप अपना नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट है उसको आप ब्रीफिंग कर दीजिए। आज मैं सारा आम जनता को IMC का डिपेक्शन को मैं कुछ शब्द बताना चाहूँगा। इसमें 14 और 15 फाइनेंस कमीशन में क्या क्या डिपेक्शन हुआ है, अभी तक तो सारा डॉक्यूमेंट हम लोग का साथ है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। उससे पहले हम कुछ पॉइंट हम आप सभी को हम बताना चाहूँगा डिपेक्शन जो, और पैसा किस किस जगह में पाउंडिंग जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो ये चीज़ को हम थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले आपका यहाँ में IMC में डिपेक्शन जो ऐसा हुआ कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वहाँ से मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आपको एक गाइडलाइन इशू
दिया जाता है यहाँ में आपका 8 अक्टूबर 2015 यहाँ में क्लियरली यहाँ में दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, यहाँ में गाइडलाइंस का हिसाब से टेंडर मारने के लिए यहाँ पूरा दिया हुआ है और इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाना है यहाँ में दिया हुआ है। इसमें ऐसा इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया है कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज उसका अंदर में किस किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, एकदम प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है और रूल एंड रेगुलेशन का साथ में। यहाँ में नंबर एक में आपको हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से दिया जाता है। इसके बाद में ये जो है दो नंबर में 31/3/2020 यहाँ में आपका 155 crore 80,000 यहाँ में रिलीज किया जाता है वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इधर। तो इसके साथ तीन नंबर में आपका ऑफिस ऑफ द कमिश्नर यहाँ से यहाँ में एक इशू बनाया जाता है, रिफरेंस लेता है, एक प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। इसमें दिया था आपका ये कॉरपोरेशन जो कमिश्नर था उसका नाम था चीचुंग चुकू, उसका नाम से एक प्रपोजल दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये जो है यहाँ में चौथा पैकेज करके 10 लाख 5 लाख 1 करोड़ 50 लाख ऐसा करके एक प्रपोजल दिया जाता है। इसमें अमाउंट देता है 121 crore 97 lakhs 80,000 इसमें दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इसके साथ में नंबर फोर में 30 November 2021 यहाँ में एक बिजनेस मीटिंग कंडक्ट किया जाता है जो कि IMC मेहर चेयरमैनशिप बनके खुद चेयरमैन बनके एक मीटिंग कंडक्ट बिजनेस मीटिंग कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें वो जो ऐसा एक काम करता है कि जो 14 और 15 में जो हमारा स्टेट का अमेंडमेंट जो पास हुआ है, रूल पास हुआ है डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप को, उसमें 50 लैक्स वर्क ऑर्डर दिया जाने का एक अमेंडमेंट पास हुआ था। तो वो चीज़ को यहाँ में एडॉप्ट करके वो रूल बनाया जाता है। तो यहाँ में एक रेजुलेशन पास किया जाता है ये जो हमारा मेयर साहब जो तामे पासंग जी। इसके साथ में पास नंबर में आपका यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट से आता है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लॉ लेजिस्लेटिव एंड जस्टिस डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीएट से। यहाँ में क्लियरली लिखा है कि एकदम प्रॉपर टेंडर मारा जाना चाहिए, टेंडर से दिया जाना चाहिए, ई टेंडर होना चाहिए। यहाँ में ऐसा नहीं लिखा है कि 2014 का जो अमेंडमेंट है उसको एडॉप्ट करना है बोल के यहाँ में नहीं लिखा है। इसको रूल जैसा रूल सेंट्रल स्पॉन्सर है उसी तरह जैसा सेंट्रल का कमन है उसी तरह इसको टेंडर किया जाना है एकदम प्रॉपर एकदम रेगुलर विदाउट टेंडर से कभी नहीं करना है, टेंडर होना चाहिए इसमें दिया गया है। इसके बाद में आपका 6 नंबर में आता है ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग अर्बन लोकल बॉडीज वहाँ से एक सेंक्शन कॉपी आता है, सेंक्शन ऑर्डर आता है। इसमें दिया जाता है आपका 89 crore 14 lakhs 80,000 रिलीज किया जाता है। तो यहाँ में देखिए आप लोग देखिए यहाँ में सारा का सारा नियम और कानून को यहाँ में लिखा गया है कि इसको ई टेंडर मारा जाए। ऐसा नहीं लिखा है कि यहाँ में 50 लाख जो हमारा यहाँ में जो अमेंडमेंट पास किया था इसमें
इसको एडब करके यहाँ में टेंडर इसको दिया जाना, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ में, पूरा क्लियर लिखा है सबको, अगर पढ़ के सुना टाइम लग जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट बता रहा है। और दूसरा बात, 7 नंबर में आता है आपका नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन जो है IMC से आता है, जबकि ये लिखा तीजी जो है आपका ये चिचुंग चुकू का बात में आया है, कमिश्नर IMC का कमिश्नर, उन्होंने एक बिजनेस मीटिंग फिर से ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर को रिफरेंस करके या में एक बिजनेस मीटिंग ये जो फिर से कंडक्ट किया जाता है। इसका बाद ये जो 2014 अमेंडमेंट को यहाँ में क्लियरली एडॉप्ट किया जाता है, यहाँ में ऐसा देखो आप लोग सारा जनता देखिए, ये रूल नहीं होता है और यहाँ में सेंटर से इसको एडॉप्ट करना है बोल के नहीं दिया है, परमिशन नहीं दिया है, ये देखिए, जबकि स्टेट से भी आपको ऐसा डिसीजन नहीं दिया है कि आपको आपका मन मर्जी से आपको टेंडर किया जाना है, ये मेयर और जो कमिश्नर है इन दोनों को परमिशन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ में एक लिखा तीजी जो नोटिफिकेशन दिया जाता है 28 जनवरी 2022 को उसका मन मर्जी से, देखो चीफ सेक्रेटरी को भी ये जो नेग्लेजन किया है, असली का बात है, देखो हम एक दो चीफ इंजीनियर से भी पूछा है, ऐसा नियम नहीं कर सकता है, वो अपना मन मर्जी नहीं कर सकता है, ऐसा करके पैसा को मिसयूज कराने के लिए ये पूरा अंदर में ऐसा गुंडा राज काम कर रहा है, ये है। इसके बाद में 8 नंबर में आपका देखिए, इसके बाद ये नोटिफिकेशन निकलने का बाद में 8 नंबर में दिया जाता है ऑफलाइन टेंडर में, आप सब देखिए ऑफलाइन टेंडर में पैकेज बना के कम से कम इसमें 4-5 करोड़ है, पैकेज बना के इधर ऑफलाइन टेंडर इंडिपेंडेंट रिव्यू में आपका 28 मार्च 2022 में रिलीज किया जाता है, इसमें दिया है सिर्फ दो फार्म जो है, इसमें क्लियरली आप लोग इसको सुनिएगा, ये जो फार्म है काकुम इंटरप्राइज जो है ये किसी और का नहीं है, ये हमारा IMC का एक्शन जो कि उसका नाम है बिंग्या कामे, उसका बीवी का नाम में ये फार्म जो बनाया गया है, बीवी का नाम में फार्म जरूर बनाया लेकिन काम उसी ने किया, ये फार्म से सारा पैसा को उताया, काम किया कि नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है, ऐसा करके। और दूसरा फार्म है यहाँ में BS इंटरप्राइज, ये दोनों फार्म सिर्फ उतना पैसा उताया, यहाँ में कम से कम 4-5 करोड़ जैसा है, तो ये ऐसा देखिए, ये ऐसा गिनोना काम किया है, तो यहाँ में इतना सारा पैसा गायब हुआ है, कम से कम 200 करोड़। अभी 14 और 15 फाइनेंस कमीशन का बात करें तो 200 करोड़ होता है, 150 करोड़ जैसा मिसमैनेजमेंट किया गया है इसमें, जो कि हमारा मेयर साहब जो तमे पासंग जी, और इसके बाद में इसका साथ में जो हमारा कमिश्नर है IMC का कमिश्नर है, उन्होंने भी साथ दिया, और साथ में इसका इंजीनियर जो होता है वो है बिंग्या कामे। देखिए यहाँ में तामे पासंग जी ने गवर्नमेंट से पहले यहाँ में IG पार्क में देखिए जॉइन मास रैली ये स्टेट को एक जॉइन मास रैली अगेंस्ट मिसमैनेजमेंट फाइनेंशियल के लिए स्टेट का ऊपर में ऐसा रैली किया जाता है, धरना किया जाता है, आज देखो वो क्या काम कर रहा है। इसके बाद में ये जो है 2015 का है, इसके बाद उसी समय वो जो चेयरमैन था JAC उसका चेयरमैन था। इसके साथ देखिए आप यहाँ में पेपर में निकलता है स्टिप डाउन होना है बोल के करना है, जैसा कि तांगा बालिंग साहब है उस समय होम मिनिस्टर हुआ करता था, ऐसा सीधा सीधी वाला आदमी था और एक नेता था, वो तो परदादा से संपत्ति होके आने वाला है,
तो इसलिए यहाँ में खुद ही रैली करता है, खुद ही धरना करता है दूसरों के ऊपर में। इसका बाद में देखिए यहाँ में आप लास्टली देखिए, जब बीजेपी गवर्नमेंट आया, पेमा साहब ने खुद एपीएसएसबी का आप इसका करप्शन का बात करता है, जो जिन्होंने भी अगर गलत काम किया उसको पनिशमेंट मिलना है बोल के खुद वादा वचन करता है। ये जो है 2020 का है, 18 2020, देखिए खुद ही भाषण पुकता है, जीरो टॉलरेंस। आज जो देखिए सारा आम आदमी को हम ये बोलता है कि ये तो सारा स्टेट में आता नहीं है, आईएमसी जो ये जो 14 और 15 फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है ये स्पेशली हमारा कैपिटल का आता है, कैपिटल डेवलपमेंट के लिए। यहाँ कौन सा जगह में डेवलपमेंट काम किया, आप लोग भी खुद देखता होगा, मीडिया बंधु और सारा आम जनता को भी हम पूछ रहा है, आप लोग खुद देखता होगा कि आप यहाँ से जब मुफ्तू जाता है, बीएफपी रोड जाता है, आप लोग देखिए कौन सा जगह में ऐसा चमक दमक काम किया है। जैसा धोनी पोलो हो गया, सारा जगह अभी डिटेल बताएगा, सब कोना में है जो कि पुराना जो काम करके रखा वाला। इसलिए ये हम लोग का एक डिमांड है कि स्टेट गवर्नमेंट, हमारा जीएस साहब ने बताया, गवर्नर को भी हम लोग मेमोरेंडम दिया है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया है, कुछ जवाब नहीं मिला। आगे देखिए हम लोग का एक डिमांड है, सिर्फ तामे पासंग को जो मेयर है आज, उसको स्टेप डाउन करा देना है और करना चाहिए। पेमा खांडू स्टेट चीफ मिनिस्टर, हमारा बीजेपी का जो डायनामिक लीडर है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि तुरंत जल्द से जल्द उसे इस्तीफा दान किया जाए, रिजिग्नेशन दिया जाए। नंबर टू, और बिंग्या कामे जैसा इंजीनियर यहाँ में नहीं चलेगा, खुद एक्शन बनता है, खुद ऑफिसर बनता है, खुद बीबी बच्चा का फार्म में काम करता है, पैसा को लेता है। इसीलिए जिस कॉन्ट्रेक्टर को काम मिलना चाहिए उसी को नहीं मिला अभी भी है, और कुछ कोऑपरेटर भी है जिन्होंने 50-80 लाख, कोई लोग 1 करोड़ तक उताया, उसका भी हम लोग अभी बायोडाटा कलेक्शन कर रहा है, किसी का मिला हुआ है, और जो कमीशन दिया उसका भी हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट लेके रखा है, कमीशन दे के काम करने वाला। और दूसरा बात जो है, ये जो अब जो आईएमसी का हमारा अभी जो कमिश्नर है लिकाती जी को भी स्टेप डाउन कर टर्मिनेशन करना चाहिए, और बिंग्या कामे को टर्मिनेशन करना चाहिए, और तामे पासंग को स्टेप डाउन कराना पड़ेगा, नहीं तो ये अल्टीमेटम डेट हम लोग फिर से दे रहा है, इसका बाद भी अगर नहीं सुनता है हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा। इसलिए सारा आम जनता को मैं बार बार बता रहा हूँ, इतना पैसा गायब हुआ है, अभी सिर्फ 14 फाइनेंस कमीशन का हम थोड़ा बात किया है, और बहुत कुछ बात है, जैसा पापूनला में आपका ऑफिस बनाना था मिडल पॉइंट में, यहाँ गोपुर में लाया गया है, वो भी कोई 10-15 करोड़ का कोई बिल्डिंग नहीं है, वहाँ में भी 5-6 करोड़ ऐसा मन मर्जी पैसा उताया गया है। ये काकुम इंटरप्राइज का अंदर में बहुत सा डिफेक्शन है, इसको हम लोग और भी छानबीन करेगा और आगे और भी चलते रहेगा। इसीलिए आज एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आज फिर से दोबारा से हम ये अपील करता है कि हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है श्री पेमा खांडू जी को मैं ये अपील करता हूँ कि तामे पासंग को जल्द से जल्द स्टेप डाउन किया जाए, और बिंग्या कामे को टर्मिनेशन किया जाए, और लिकाती जी को टर्मिनेशन किया जाए। आज जीरो टॉलरेंस बोल बोल के बीजेपी वालों ने आज 1000 करप्शन पैदा किया। दूसरा बात, अब सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबको विश्वासघात में रख दिया। आज देखो आईएमसी कहाँ कहाँ काम किया, सब वीडियो बना के फोटो बना के हम लोग रखा है, जो ओल्ड वर्क है, जो पुराना काम किया वाला, उसी को फोटो किसके डेंटिंग पेंटिंग करके सारा का सारा पैसा को उताया गया है। कहीं कहीं जगह में है, 1-2 जगह है किया वाला, लेकिन मैक्सिमम काम जो है, जो पुराना जो करके रखा है उसको फोटो से तो बना के पेंटिंग करके पूरा उताया। ऐसा अगर नेता जो काम करेगा, इस्तेज जो कैसा चमकेगा।
इस ज्वाइन कुल मिला के हम लोग आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश, मैं जॉनी यांगफो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश, मेरे ईद गिन में जिस प्रकार से आपको परिचय दे चुके हैं, हमारा स्टेट का यूथ प्रेसिडेंट, उसके सेक्रेटरी और हमारे पार्टी के यूथ के साथीगण, तो आज हम इस संदर्भ में, इस विषय में ये हमारा दूसरा ज्वाइन हमारा ये प्रेस वार्ता है। तो जिस प्रकार का मीडिया बंधुगण को हम पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों के माध्यम से, और आज फिर एक बार हम लोग ज्वाइंटली जो मुद्दे के बारे में हमने पहले भी हमने बताए थे, और आज हम उनको निरंतर करते हुए दूसरी बार जनता के समक्ष हम आए हैं, और हम जो जो इसके बारे में हम लोग फिर दूसरी बार आपके द्वारा हम चर्चा करते हुए पब्लिक को हम सुनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से पहले IMC के हो या तो एजुकेशन के हो, जिस प्रकार से आपके आपको बताया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पहले भी हमने सरकार को इसके बारे में जिस प्रकार का हमने गुहार लगाया, जिस प्रकार का हमने उनको बताया कि इस प्रकार की गतिविधि हमारे प्रदेश के हेडक्वार्टर में हो रही हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और भाजपा के नेतागण कैमरे के सामने आते हुए कई बार अपने भाजपा सरकार के गुणगान गाते हैं, लेकिन दरअसल जब हम अंदरूनी जांच के देखते हैं तो ये जो शासन कर रहे हैं इनके शासन में बहुत ही चूक है। जिस प्रकार का हम निरंतर करते हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचार से कई सीमाओं को तोड़ते हुए ये भ्रष्टाचार कर रही हैं, जिस प्रकार से IMC में है, एजुकेशन में है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है अरुणाचल के लिए, समस्त अरुणाचल प्रदेश के लिए और उनके आवाम के लिए। मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये दूसरी बार वार्तालाप करते हुए आपको बताते हुए बहुत ही निराश जरूर है, क्योंकि सरकार इसके विषय में मुझे लगता है चिंता नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार का ये जीरो टॉलरेंस जब जब ये कहते हैं तो ये एक विष का प्याला जैसा लगता है, तो ऐसे समय में चिंता करने की आवश्यकता है सरकार को। इन दो बड़े मुद्दों पर जिन जिन लोगों का हाथ है, जो करप्शन के साथ उनके हाथ रंगे हुए हैं, उनको सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी चुप रहने वालों में से नहीं है, आज अरुणाचल के हर एक लोग जान गए हैं कि ये सरकार किस प्रकार से सरकार के तंत्र को किस प्रकार से दुरुपयोग कर रही है, और सरकार में रहते हुए कार्यरत रहते हुए उनके अधिकारीगण किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। तो समस्त अरुणाचल के हर एक जनता को मैं कह दूं कि इसे हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश कड़ी शब्दों में इनका निंदा कर रहे हैं, और हम जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं कि इसका फिर दूसरा समय तिथि हमने यहाँ बताया है, 25 अक्टूबर को एक दूसरा अल्टीमेटम के रूप में हम देख रहे हैं, और सरकार जिस प्रकार से हम कह रहे हैं उनके कानों में जुग नहीं रेंग रहे हैं, ऐसा प्रतीक हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी यूथ विंग के और हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव के दोनों पहला दिन से ही इसमें एक साथ आवाज़ उठा रही हैं, और हम चाहेंगे 25 अक्टूबर तक इस डेट को हम लोग जरूर इंतज़ार करेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार इस विषय को चिंतित नहीं करते हुए अगर इसका रिप्लाई, इसका जवाब नहीं देता है, तो मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि हम लोग डेमोक्रेटिक वे में हो या कहीं भी प्रकार के हो, तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। और जो भी इसमें गतिविधि होगी अगर इस डेट के बाद भी, तो इनका जिम्मेवारी सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को जाएगा। आम आदमी पार्टी फिर एक बार
अपना ललकार यहाँ जरूर करेगी और समस्त अरुणाचल के आवाम के लिए हम आवाज़ कर रहे हैं। हम चाहेंगे आने वाला समय अगर ये बातें सरकार मंजूर और जिस प्रकार का हम दावा पेश कर रहे हैं उनको अनसुनी करेगा तो ये बहुत ही घातक होने वाली है। मैं कहूँगा ये शब्द मैं बहुत ही जिम्मेवारी एक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से करना चाह रहा हूँ।